एज ट्रिगर ट्री फ्लिप फ्लॉप, इसमें एज का मतलब कि जो हमारा पॉजिटिव एज है, पॉजिटिव एज है उसी उसी टाइम पे ये काम करेगा, उसके अलावा ये काम ही नहीं करेगा। इसके लिए हमें आरसी सर्किट लगाई गई है पैरेलल में, जिससे ये हमारा नॉइस को कंट्रोल करे, यानी कि नॉइस को पास ना होने दे यहाँ से। ये आरसी सर्किट लगाई गई है, ठीक। अब यह मान लीजिए अगर हम ये इसको ट्रूथ टेबल देख लीजिए, यानी कि अगर हम क्लॉक जीरो देते हैं, अगर हम क्लॉक देते ही नहीं हैं तो इनपुट कुछ भी रहे लेकिन हमारा आउटपुट प्रीवियस स्टेट पे रह जाएगा, उसको कहते हैं नो चेंज कंडीशन। अगर हम क्लॉक वन देते हैं, ठीक, क्लॉक वन देते हैं तो भी यहाँ पर कोई डी इनपुट कुछ भी रहे लेकिन हमारा यहाँ पर नो चेंज का कंडीशन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लॉक वन पे काम ही नहीं करेगा। काम कब करेगा? जब कब हमारा पॉजिटिव एज ट्रिगर जाएगा, जब जब ये पॉजिटिव पे काम करेगा तभी ये काम करेगा, इस पर नहीं काम करेगा, इस पर नहीं काम करेगा, सिर्फ इसी पे काम करेगा। जब ये ऊपर जाएगा, यानी कि जब ऐसे पल्स ऊपर जाएगी उसी उसी दौरान ये काम करेगा, ठीक, और फिर यहाँ से सट से नीचे आ जाएगा, जिसको वी इसका स्पाइक बोलते हैं, वी स्पाइक बोलते हैं, यानी कि वी शेप का ये होता है, यानी कि जाते ही सट से नीचे आ जाएगा। जब तक ये जाता है तब तक ही काम करेगा ये। अब देखिए क्लॉक हमारा पॉजिटिव एज ट्रिगर में हो गया, यहाँ इनपुट क्या है, डी, डी बराबर हमारा जीरो है। यहाँ पर हम देखिए वही प्रोसेस है, डी बराबर जीरो दिए तो ये हमारा एंड गेट क्या हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया, सेट हमारा जीरो हो गया। जब सेट जीरो हो जाता है तो हमारा क्यू क्या होता है, जीरो हो जाता है। अब यहाँ देखिए जब यहाँ आएगा जीरो होती है, ये वन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नॉट गेट लगा है, जो वन हो जाएगा तो यहाँ वन हो जाएगा। जब रीसेट हमारा वन होता है तो भी हमारा क्यू बराबर जीरो होता है, यानी कि क्यू बार बराबर वन होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो इनपुट में हम जो दे रहे हैं आउटपुट में हमें वो मिल रहा है, जीरो दे रहे हैं तो हमें जीरो मिल रहा है। अगला कंडीशन देखिए वन, जब यहाँ पर हम वन दिए तो हमें आउटपुट वन मिलना चाहिए। अब देखिए जैसे ही हम वन दिए यहाँ पर, ठीक, वन दिए तो यहाँ पर वन हो जाएगा और सेट हमारा वन हो जाएगा। सेट हमारा वन हो जाता है तो क्यू बराबर वन हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ जीरो हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। जब रीसेट जीरो हो जाता है तो भी हमारा क्यू बराबर वन मिलता है, यानी कह सकते हैं जो हमारा इनपुट होता है वही हमारा आउटपुट मिल रहा है, यही डी फ्लिप फ्लॉप है। बस इसमें यह है कि जब पॉजिटिव एज ट्रिगर होगा तभी ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं काम करेगा, ठीक। और देखिए यहाँ पर ये नॉट गेट क्यों लगाया गया, नॉट गेट इसलिए लगाया गया है क्योंकि इस रेस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए नॉट गेट लगाया। अगर हम दोनों जगह वन वन दे देंगे तो ये रेस कंडीशन में चला जाएगा, जो इनवैलिड कंडीशन होता है, इसलिए यहाँ नॉट गेट लगाया, जिससे कि जो इनपुट है वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट में बने रहें, ठीक।